गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मस्ती कर रहे हो क्या घर पे या पढ़ भी रहे हो साथ साथ? चलो आज हम कल हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, अर्बन लाइवलीहुड। आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर निकालो 238। टॉपिक है द ऑफिस एरिया। इट वॉज 5 PM बाय द टाइम वी लेफ्ट द फैक्ट्री एरिया। माई अंकल्स ब्रदर इन लॉ वर्क एज मार्केटिंग मैनेजर्स इन अ वेल नोन कंपनी विच मैन्युफैक्चर फैंस। वी डिसाइडेड टू कॉल ऑन हिम ऑल्सो। वी एंटर हिम हिज एयर कंडीशन कैबिन एज वी सेट डाउन अ प्यून सर्वर्स कोल्ड ड्रिंक। हम अब ऑफिस एरिया के अंदर जाते हैं। ऑफिस एरिया का मतलब क्या हुआ? वो एक ऑफिस के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। शाम के 5 बज चुके थे, तो उसके जो अंकल थे, उसके ब्रदर इन लॉ, मतलब उसके जो ब्रदर इन लॉ थे, वो काम करते थे एज अ मार्केटिंग मैनेजर। कहाँ पे? एक वेल नोन कंपनी के अंदर वो काम करते थे। क्या काम करती थी कंपनी? फैंस का मैन्युफैक्चर करती थी। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? बनाती थी। फैन का मतलब क्या होता है? पंखे। वी डिसाइडेड टू कॉल ऑन हिम ऑल्सो। हमने हमने कॉल करी, तो हम कहाँ पे चले गए? उनके कैबिन के अंदर चले गए और हम वहाँ जाके बैठे। तो हमने पीएन ने क्या सर्व किया? कोल्ड ड्रिंक सर्व की। पीएन क्या होता है? जो वहाँ पे एज अ सर्वेंट रखा होता है। मिस्टर सोहन मिश्रा, उसके अंकल के ब्रदर इन लॉ का नाम क्या था? सोहन मिश्रा। इज़ एन MBA फ्रॉम अ रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट। ही ड्रॉज अ हैंडसम सैलरी। जो उसके ब्रदर इन लॉ थे, उनका नाम था सोहन मिश्रा, और उन्होंने क्या कर रखी थी? MBA कर रखी थी एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट से। रेपुटेड मतलब बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्होंने एक MBA कर रखी थी और वो एक अच्छी सैलरी अर्न कर रहे थे। ही इज़ परमानेंट वर्कर ड्रॉइंग अ रेगुलर सैलरी अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स। वो एक अच्छे परमानेंट वर्कर्स थे जो कि परमानेंट सैलरी को अर्न कर रहे थे, एज अ रेगुलर सैलरी अर्न कर रहे थे, साथ में उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे थे। दिस इंक्लूड्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेच्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स एंड लीव बेनिफिट। उनको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे थे? जैसे कि EPF हो गए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी बेनिफिट्स हो गए, मेडिकल बेनिफिट्स, अगर उनको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन चाहिए या फिर कोई भी डॉक्टर की हेल्प चाहिए, उनसे रिलेटेड कोई भी बेनिफिट चाहिए तो उनको कंपनी प्रोवाइड करती थी। और लीव बेनिफिट भी उनको मिलते थे, मतलब छुट्टियों के बेनिफिट्स भी उनको मिलते थे। अपार्ट फ्रॉम संडे नेशनल हॉलीडेज, ही गेट 27 डेज एंड एनुअल लीव। उसके साथ साथ संडे के साथ साथ और नेशनल हॉलीडेज के साथ साथ, नेशनल हॉलीडेज कौन सी हॉलीडेज होती हैं? जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हॉलीडेज होती हैं, उसके साथ साथ उनको 27 हॉलीडेज एक साल के अंदर मिलती थी। ही कैन एक्सेप्ट हिज जॉब टू कंटिन्यू फॉर मैनी ईयर्स। ही ऑल्सो गेट्स एन एनुअल इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अदर इंसेंटिव्स। जो उसके अंकल थे, उसको काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे थे, उसके साथ साथ हर साल उनको इंक्रीमेंट मिलता था। इंक्रीमेंट मतलब सैलरी के साथ साथ उनको कोई ना कोई बोनस हर साल मिलता था उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ही इज़ एंटाइटल्ड टू अदर इंसेंटिव्स ऑल्सो, और उसके साथ साथ उनको कोई और बेनिफिट्स भी मिलते थे। बट एवरी वर्कर्स इज़ नॉट फॉर्चून एज माई अंकल्स रिलेटिव। नियरली हाफ ऑफ द वर्कर्स आर कैजुअल और टेम्परेरी। They get a fixed monthly salary. They are not entitled to other benefits whenever the management feels that work. पर हर कोई वर्कर्स मेरे अंकल की तरह नहीं होता, क्योंकि कई वर्कर्स कैजुअल और टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, जो कि जिन जब ज़रूरत होती है उनको तभी रखा जाता है, और उनको ना ही कोई मंथली सैलरी जो उनकी फिक्स होती है, और उनको कोई अदर बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। इज लेस और देयर परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू मार्क, दे आर आस्क्ड टू लीव द कंपनी। और जब उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो उनको बोल दिया जाता है कि आप कंपनी छोड़ के चले जाइए। वेन वी लेफ्ट द ऑफिस एरिया इट वॉज 6:30 PM वी वर टू एक्सोसिएट्स टू राइड एन ओवरक्राउडेड बस। जब हम ऑफिस से वापस आते हैं तो 6:30 बज चुके होते हैं शाम के, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं बस का सफ़र करते हुए, क्योंकि जो बस थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड थी, मतलब बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। माय अंकल हायर्ड अ टैक्सी। तो मेरे अंकल क्या लेते हैं? टैक्सी ले लेते हैं। आई हैड सीन अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैंने एक डिफरेंट वर्ल्ड देखा। आई लिव इन अ स्मॉल टाउन एंड हैड नियर नेवर इमेजिन दैट लाइफ इन बिग सिटीज इज सो फास्ट। आई हैड ग्रेट फन एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। मैंने
मैं एक स्मॉल टाउन के अंदर रहता था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिग सिटीज़ के अंदर जो लाइफ है इतनी फास्ट है। मैंने यहाँ पे आके बहुत फन किया, मतलब मैंने यहाँ पे आके बहुत इन्जॉय किया और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी यहाँ से मिला। अब एक टॉपिक है इसमें कॉल सेंटर। कॉल सेंटर क्या होते हैं? कॉल सेंटर्स आर प्राइवेट ऑफिसेस विच डील विद प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट कंज्यूमर्स हैव रिगार्डिंग गुड परचेज एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग, पेमेंट ऑफ बिल, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? एक प्राइवेट ऑफिस होता है जो कि क्या काम करता है, लोगों के प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस की डील करता है। जैसे अब आप लोग भी कई कस्टमर केयर में फ़ोन करते होंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो कस्टमर केयर वाले आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप बैंक के अंदर कॉल करते हो या फिर आपको कोई बिल की पेमेंट करनी है या टिकट बुक करनी है, तो उसमें भी कस्टमर सेल्स कॉल सेंटर्स वाले हमारी हेल्प करते हैं। दे आर टू काइंड ऑफ कॉल सेंटर्स, दो तरीके के कॉल सेंटर होते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? जो कि डोमेस्टिक क्लाइंट से काम करते हैं, मतलब अपने इंडिया के अंदर जो काम करती हैं वो कौन होते हैं? डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स। और जो इंटरनेशनल में काम करते हैं वो कौन से होते हैं? इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स आर सेटअप इन लार्ज हॉल्स, ईच वर्कर इज गिवन अ कंप्यूटर, अ टेलीफोन सेट एंड सुपरवाइजर स्टेशन। इंडिया हैज बिकम अ हॉट डेस्टिनेशन फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज बिकॉज दे हैव टू पे मच लोअर वेजेस हियर, फॉर सिमिलर सर्विस दे नीड टू पे मच हायर वेजेस इन यूरोपियन कंट्रीज। और जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो लार्ज हॉल के अंदर बने होते हैं और हर वर्कर को एक कंप्यूटर दिया जाता है, एक टेलीफोन दिया जाता है और एक सुपरवाइजर स्टेशन दिया जाता है। और हर ये जो कॉल सेंटर होते हैं वो कैसे काम करते हैं? हर एमएनसीज के रूप में काम करते हैं और उनकी जो वेजेस होती है वो कम होती है। और इसके साथ साथ आपको अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आप इनका काम करोगे तो आपकी जो वेजेस होंगी वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, पूरा जल्दी से इस चैप्टर के रिवीजन कर लेते हैं। एक स्टूडेंट होता है जो कि गांव के अंदर रहता होता है, वो अपने अंकल से मिलने गर्मियों की छुट्टी में शहर के अंदर जाता है और वो वहाँ जाके देखता है जो गांव की लाइफ है और जो शहर की लाइफ है, टाउन की लाइफ है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्योंकि वो वहाँ जाके बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पर लोगों की वो भीड़ देखते हैं, तरह तरह के लोग देखते हैं जो गलियों के अंदर बैठे होते हैं। जैसे उसको फ्लोरिस्ट देखने को मिलते हैं, वेंडर्स देखने को मिलते हैं, हॉकर्स देखने को मिलते हैं। और एक हमने यहाँ पे स्टोरी भी पढ़ी थी, रमप्रीत की एक स्टोरी पढ़ी थी जो कि क्या था, रिक्शा पुलर था जो कि विलेज के अंदर रहता होता था। विलेज के अंदर उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो वहाँ उसकी जो फैमिली थी वो सर्वाइव कर सके, इसलिए वो टाउन के अंदर आके रिक्शा चलाने का काम करता था। फिर वो अपने अंकल के साथ कहाँ जाते हैं, फैक्ट्री के अंदर, मार्केट में अंदर जाता है। मार्केट के अंदर जाके वो अपने अंकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे विज़िट करता है और वहाँ पे टेलीविज़न ख़रीदते हैं। उसके बाद वो एक बस हायर करके कहाँ पहुँचते हैं, लेबर चौक पे पहुँचते हैं। लेबर चौक क्या होता है? लेबर चौक एक जगह होती है जहाँ पर सारे लेबर्स इकट्ठे होके रहते हैं और वहाँ पे वो लेबर्स को देखता है। लेबर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। कई लेबर्स के पास ब्रश पकड़े हुए थे, कईयों ने टोकरियाँ पकड़ी हुई थी, कईयों के पास स्पेयर्स थे। और उसके बाद में वो कहाँ जाता है, फैक्ट्री एरिया के अंदर जाता है अपने अंकल के साथ। फैक्ट्री एरिया के अंदर जाके क्या देखता है वो, कि जो वर्कर्स थे वो अराउंड 400 वर्कर्स उनकी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, जिसके अंदर 100 वर्कर्स जो थे वो परमानेंट वर्कर्स थे। 300 वर्कर्स को जब उनके अंकल को रिक्वायरमेंट होती थी तब उनके अंकल उनको बुला लेते थे। उसके बाद वो अपने अंकल के साथ कहाँ जाता है, ऑफिस एरिया के अंदर जाता है। वहाँ जाके वो देखते हैं जो उसके अंकल के ब्रदर इन लॉ थे वो परमानेंट एम्प्लॉय थे और उनको एक फिक्स सैलरी मिलती थी, उसके साथ साथ उनको कई और बेनिफिट भी मिलते थे। पर वो सोचते हैं कि हर कोई मेरे अंकल के जैसा नहीं होता, कई वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि कैजुअल बेसिस पे होते हैं और कई वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट बेसिस पे होते हैं। फिर उसके बाद में अपनों ने पढ़ा कॉल सेंटर्स क्या होता है। कॉल सेंटर्स वो जगह होती है जो कि लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ डील करती हैं, लोगों के कस्टमर्स के साथ डील करती हैं। इस चैप्टर में इतना ही था। रूरल लिवलीहुड जो कि गाँव की लाइफ होती है, अर्बन लिवलीहुड जैसे जो कि विलेज की लाइफ होती है, जो इस बच्चे ने एक्सपीरियंस की, उस बच्चे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया है उस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। इस
इस चैप्टर की बुक आपको मैं सेंड कर लूँगी, कर देती हूँ अभी। आप सब इस चैप्टर का होमवर्क कर लेना, और किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।